हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बस थोड़ा सा एक ब्लॉग है, जिसमें मेरे पास एक कमेंट, ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं और पॉजिटिव कमेंट हैं, ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव कमेंट है। तो उनमें से मैं किसी एक का जवाब देना चाहूँगी। एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप बच्चे को भी हैंडल कर लेते हैं, घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं, बच्चे को भी संभाल लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं, मतलब अब ब्लॉग भी बना लेते हैं, ऐसा कैसे? तो देखिए, मैं आपको यहाँ जवाब देती हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ आप देख सकते हैं, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये अपना काम कर रही है, ठीक है, उसको जो आ रहा है वो कर रही है, जो मन कर रहा है। देखिए घर का हालत क्या कर दी है, देखिए सारा जो उलट पलट कर रही है। देखिए तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ करने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी तो फिर ये अपना लक्ष्य से भटक जाएगी। और मैं क्या कर रही हूँ वो भी देख लीजिए। मेरे यहाँ पे कॉपी रखा हुआ है, नोट्स, ठीक है, नोट्स रखा हुआ है यहाँ पे, और मैं इसको रिविजन भी कर रही हूँ और इसको देख भी रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं बैठ नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँगी तो ये मेरे पास ही आ जाएगी, तो इसलिए मैं बैठ नहीं रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे कॉपी रखा हुआ है और मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं इस पर नज़र भी रख रही हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरा पढ़ाई हो गया, साथ में बच्चे को भी हैंडल करना हो गया, इसमें दो काम आ गया। थर्ड है कि ब्लॉग कैसे बना लेते हैं। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे कैमरे को रख देती हूँ, ठीक है, ऐसे, और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो ये एक पढ़ रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ये ब्लॉग बन गया, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा होता है कि आपको एडिट करना है और टाइटल सोचना है। टाइटल तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मैं जो बनाती हूँ वही डाल देती हूँ और इतना मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मोटिवेशन दिखाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे कलाकारी नहीं दिखा रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, या मैं कुछ झूठ मूठ कर दिखा नहीं रही हूँ कि कुछ भी टाइटल डाल दो और कुछ भी वीडियो रहे, वो काम मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये एक चीज़ हो गया। और थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़ क्या है कि मैं घर को कैसे संभालती हूँ। तो उसके लिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 4 बजे 4:30 बजे, हार्डली 5 बजे मेरा ये टाइम है उठने का। और अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो आप बहुत ऐसा काम है जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि अब अभी खेलेगी तो मैं सोने का वेट करूँगी तब मैं पढ़ूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी खेल रही है तो मैं अपना पढ़ भी सकती हूँ। इसमें क्या करना है, मेरे पास नोट्स है, मैं इसको रिवीजन भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ। तो ये तरीका होता है आपको टाइम निकालने का, तो मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ, यही मेरा तरीका है। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी समय आपका चल रहा है वो समय बार बार घूमकर नहीं आएगा, तो इस समय को यूज करना है, तो ये मेरा थॉट है, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ। और रहा काम का सवाल, तो मेरा सारा काम, तो मेरा सुबह 10 बजते मेरा सारा काम हो जाता है, 8 बजते भी सारा काम हो जाता है, डिपेंड करता है काम कैसा है, ठीक है। तो आपको जवाब मिल गया, आप भी इस तरह से अगर पॉसिबल हो सके तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात की, बहुत एक और भी कमेंट आया था कि सुबह मतलब कैसे उठे जाएंगे। तो सुबह उठने के लिए एक ही है कि आप जल्दी सोइएगा तो जल्दी उठिएगा, और इसमें कोई प्रेशर आपको नहीं है। अगर आपका नींद नहीं पूरा होता है तो आप सुबह उठने का प्रेशर मत, सुबह पढ़ने का प्रेशर मत लीजिए, आप उस टाइम को बाद में पढ़िए, ठीक है। किसी किसी का होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट पर्सन होता है, तो इसमें आपको ये प्रेशर नहीं लेना है। और आपको पहले कुछ दिन उठना है, इसलिए उठना है कि आपको खुद के लिए उठना है, आप कुछ हैबिट को डेवलप करने के लिए उठिए। आप पढ़ने के लिए उठिएगा तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाइएगा, ठीक है। डेवलप कीजिए हैबिट, तो इस तरह से आप अपना हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।